ईद से एक दिन पहले का मंजर। सुबह तो वैसे अच्छी हो गई है, इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन भी अच्छे ही गुजरेंगे। तो अब काम करना शुरू करते हैं। अभी सफाई से मैं फारिग हुई हूँ और इस टाइम है 5, यानी कि 12 बजे से 5 बजे तक मैंने सफाई की है। मज़ा आया क्योंकि यही ईद की खुशियाँ होती हैं, यही ईद की तैयारियाँ होती हैं। अगर इंसान ये काम ना करे तो फिर ईद ईद ही नहीं लगती। बटर कुकीज़ आर बेस्ट। ये एयर पॉकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि जो बिस्किट है वो अच्छे से फूला है और ये वेल कुक्ड है। ये अच्छे बिस्किट की, अच्छे केक की निशानी होती है। ज़ीरा बिस्किट जिस तरह से हम बाहर से परचेज़ करते हैं बिल्कुल वैसे का ज़ायका, बहुत मज़े के। तकरीबन तैयारियां हो ही चुकी हैं, मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर लिए जाएं।
कपड़े मैंने इस बार कोई नए नहीं सिलवाए। ये मेरा पिछली ईद का सूट है जिसको मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, ईद पे भी नहीं था पहना ये, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी कि मैं कपड़े चेंज करूँ। तो इस बार फिर मैंने सोचा था कि मैं यही सूट दोबारा पहनूँगी, मतलब है कि यही सूट पहनूँगी। दोबारा पहने वाले तो कोई बात ही नहीं है, ये मैंने पहले नहीं पहना। अच्छा, इसके ऊपर ये शीशा वर्क हुआ हुआ है, बहुत प्यारा सूट है, लाइट इन वेट है, चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं है। साथ में इसके इस तरह का दुपट्टा है और इसके साथ जो ट्रोज़र था वो ये वाला था, ये वाला है इसके साथ ट्रोज़र, लेकिन मैं ये वाला ट्रोज़र नहीं पहनूंगी क्योंकि ये बहुत, इस तरह के ट्रोज़र्स बहुत तंग करते हैं। मैंने सिंपल इसके साथ सिलवाया, ये मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था, इसके साथ मैं ये बिल्कुल सिंपल प्लेन पहनूंगी। और साथ में मेरी नई सैंडल, और साथ में इस कलर की मेरे पास चूड़ियां हैं कांच की, लेकिन मैं वो कांच की चूड़ियां नहीं पहनूंगी। मैं सोच रही हूँ इसके साथ मैं मेटल की चूड़ियां पहनूं, तो मैं इसके साथ मेटल की सिल्वर कलर की चूड़ियां पहनूंगी। के लिए वो तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिर्फ क्या किया है इसमें, मैंने चीनी पहले डाली बर्तन के अंदर और उसको कैरेमल सा बनाया, यानी उसको मेल्ट किया, उसको थोड़ा सा ब्राउन किया, यानी थोड़ा सा जब वो ब्राउनिश सा कलर हो गया ना, कैरेमल सा कलर हो गया, साथ ही मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया। और जो दूध था ना वो इतना था दूध, ठीक है, इतना दूध था, और उसको फिर पका के वो इस कंसिस्टेंसी में आ गया। तो ये खीर जो है हमारी खोए वाली खीर, और इसके अंदर चावल है, ठीक है, पीसे हुए भिगो के मैंने चावल रखे थे और उसको मैंने ग्राइंड किया अच्छे से, बिल्कुल पेस्ट, मैंने आपको बनाना सिखाया होगा पहले, उसको बिल्कुल पेस्ट से बना देनी है कि आप जब हाथ में रखें तो वो दाने दाने महसूस बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, इतनी उसकी पतली सी पेस्ट होनी चाहिए। वो आपने दूध के अंदर शामिल कर देना है और बस फिर इसको पकाना है इतना कि ये इस तरह से खोए में हो जाए, ठीक है। और चावलों की जो कंसिस्टेंसी है या जो चावलों की क्वांटिटी है वो आपने बहुत कम लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमने दूध को पकाना है। तो ये खोए वाली खीर जो है वो तैयार है, खोया खीर जो है हमारी तैयार है।